Good afternoon, everyone. Welcome to BANKERSADDA. Today we are going to discuss reasoning quiz for IBPS exam 2019 12th February. So today is day 20 of Kar IBPS 2019 FATEH. So now move to question number first. तो जैसे कि आज हमारा जो 15th क्वेश्चन का क्विज है इसका टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग. तो हम देखेंगे कि बेस्ट वे क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने का. तो जो हमारे डायरेक्शन 1 to 5 है उसमें हमें गिवन है स्टडी द इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मॉर्निंग क्लास प्राइम इज कोडेड एज 4@H 4#V एंड 6#T. अगर हम कहीं भी देखें तो सबसे जो बेस्ट वे होता है किसी कोड को निकालने के लिए वो होता है कॉमन. अगर इसमें हमें दो नंबर के कोड कॉमन दिख रहे हैं तो इसमें हम एक ही चीज देख पा रहे हैं कि जो क्लास है और वो प्राइम है. इन दोनों के जो नंबर ऑफ अल्फाबेट है वो 5 ही है दोनों में. तो जो हमारा नंबर का कोड हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस 1. तो हमारे साथ कोड आ जाएगा 4. ऐसे अगर हम नंबर के कोड को कंफर्म करें तो हम मॉर्निंग में देखें मॉर्निंग में हमारे जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो है 7 और 7 माइनस 1 6. तो मॉर्निंग का कोड हो जाएगा 6. देन अगर हम अब बात करें सिंबल की तो जैसे 6 और 4 हैश वी में सिंबल सेम है हैश. तो अगर हम देखें तो क्लास के अंदर हमारा वोवल है 1, प्राइम के अंदर हमारे वोवल है 2. ऐसे अगर हम मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग के अंदर हमारे वोवल है 2 और आई. तो प्राइम का जो कोड होगा वो हैश का प्राइम में भी यूज हो रहा है और मॉर्निंग में भी यूज हो रहा है. देन अगर हम इसमें अल्फाबेट की बात करें जो थर्ड हमारा कोड है तो वो होता है या तो हम देखते हैं जो हमारा वर्ड है उसके स्टार्टिंग अल्फाबेट का रिवर्स या लास्ट अल्फाबेट का रिवर्स. तो जो हमारा एम है एम का रिवर्स तो हमारा एन होता है तो वो तो किसी में नहीं है. अगर हम एम का रिवर्स देखें जी का रिवर्स देखें तो जी का रिवर्स होता है हमारा टी. तो हमारा जो कोड है वो यही है. देन हमारा प्राइम तो प्राइम के अंदर भी अगर हम ई का रिवर्स देखें तो वो वी है 4#V. तो ये भी हमारा कंफर्म हो गया. और क्लास का रिवर्स देखें एस एस का रिवर्स होता है हमारा एच. तो जो हमारा कोड है वो डिफाइन हो गया. इसके बाद हमारा देखो जो अगर एक वोवल है तो हमारा कोड यूज हो रहा है @. दो वोवल है तो हमारा कोड यूज हो रहा है इसमें हैश. अगर हम तीन वोवल की बात करें तो तीन वोवल है हमारे फेब्रुअरी में तो और तीन वोवल है हमारे रेलवे में. तो तीन वोवल है रेलवे में तो 6% डिफरेंट यूज हो रहा है. तो 3 वोवल के लिए हो रहा है 1% और 4 वोवल के लिए हम देखें तो 4 वोवल है अगर हमारे आइडेंटिकल में 1, 2, 3 एंड 4. तो इसके लिए हमारा जो कोड है वो यूज हो रहा है $8. तो इसके लिए डॉलर यूज हो रहा है. तो हमारे जो कोडिंग डिकोडिंग है उसका बेस्ड हमारे को लॉजिक पता चल गया कि किस पे क्या चेंज हो रहा है. तो अब देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा है व्हाट विल बी द कोड फॉर टाइम. तो टाइम का लास्ट हमारा अल्फाबेट है ई. ई का रिवर्स होता है वी. नंबर ऑफ लेटर्स है इसमें 4, 4 माइनस 1 3. वोवल्स है 2. तो जो इसका कोड होगा वो होगा 3#V. तो जो ऑप्शन ए है वो राइट ऑप्शन होगा इसका. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे से इन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द कोड फॉर ग्रोथ सस्पेंस. तो ग्रोथ और सस्पेंस का हमें बताना है. अगर हम ग्रोथ की बात करें लास्ट अल्फाबेट हमारा एच. तो एच का हमारा रिवर्स होता है एस. नंबर ऑफ अल्फाबेट है इसमें एलिमेंट है वो है 6. तो 6 माइनस 1 5. और जो इसमें नंबर ऑफ वोवल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1. तो जो इसका कोड होगा वो होगा 5@S. और सस्पेंस की अगर बात करें तो सस्पेंस में हमारे नंबर ऑफ अल्फाबेट है वो है 8. 8 माइनस 1 7. लास्ट का ई का रिवर्स होता है हमारा वी. और इसमें वोवल्स है 1, 2 एंड 3. तो 3 के लिए ampersand. तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा 5@S एंड 7% V. ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे से पूछा इन्होंने व्हाट इज द कोड फॉर अरेस्ट. तो अगर हम अरेस्ट की बात करें तो टी का हमारे को रिवर्स पता है जी होता है. एंड नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट है हमारे 6, 6 माइनस 1 5. तो जो हम सिंबल लगाएंगे वो लगाएंगे नंबर ऑफ अल्फाबेट के बेस पे. तो नंबर ऑफ अल्फाबेट वोवल है वो है 2 ए एंड ई. तो 5#G इसका राइट आंसर होगा जो कि किसी भी ऑप्शन में है नहीं. तो ऑप्शन ई नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कोडेड एज 6 ampersand i.
अगर हम देखें इसमें आई का रिवर्स होना चाहिए लास्ट अल्फाबेट, तो आई का जो हमारा रिवर्स होगा वो होगा आर, आई का रिवर्स हमारा आर होता है। तो इसमें अगर हम देखें या तो देखो ऑफिसर होगा या पावर होगा, तो सिक्स है तो सिक्स यानी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसमें वो सेवन होंगे, सिक्स प्लस वन तो सेवन एलिमेंट देखे तो सेवन इसमें ऑफिसर में है, तो ऑफिसर में है सेवन माइनस वन सिक्स। देन जो एम परसेंट है, एम परसेंट वही आ रहा है जिसमें हमारे तीन वोवल हो, तो ऑफिसर में अगर हम देखें तो ओ आई और ई तीन वोवल है इसमें, तो फोर्थ का जो मे बी हम कोड निकाल सकते हैं वो ऑफिसर का निकाल सकते हैं सिक्स एम परसेंट आई, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में भी हमारे को एक डिकोड कोड दे रखा है, हमें बताना है ये किसके लिए कोडेड करा गया है। तो फाइव हैश आई, हैश का मीनिंग हो गया हमारे को पता कि इसमें दो वोवल होंगे, आई का रिवर्स होता है हमारा आर, तो इसमें भी मास्टर या पावर। देन इसके अंदर है फाइव है, तो फाइव यानी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे हमारे सिक्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सिक्स होंगे तो मास्टर में भी सिक्स है, पावर में है नहीं सिक्स, तो ऑप्शन बी इसका हो सकता है। पर अगर हम इसमें वोवल भी चेक करते दो है कि नहीं, तो ए और ई दो वोवल भी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मास्टर इज कोडेड एज फाइव हैश आई, तो ऑप्शन बी मास्टर्स का राइट आंसर होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा प्राइम ऑफर चल रहा है वो आज तक के लिए वैलिड है, तो अगर आपको आगे एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, तो आप आज प्राइम ऑफर के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको बेस्ट रेट में टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। देन मूव टू क्वेश्चन डायरेक्शन 6 टू 10। स्टडी द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। तो जैसे कि ये हमारा ओल्ड बेस पे जो पुराना पैटर्न है उस पर कोडिंग डिकोडिंग है, तो आज हम बताएंगे कि जो ये ओल्ड बेस का कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न है ये हम बेस्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो एलिमिनेशन मेथड से कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन को देखो और एलिमिनेशन मेथड का यूज करके डायरेक्ट सीधा आंसर निकालते रहो, या पूरा सारे कोड सॉल्व करो। तो पहले हम पहले सारे कोड सॉल्व करके देखते हैं जो हमारा पहले है। ही रीड वेरी फास्ट, तो अगर हम देखें तो वेरी हमारा फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है, वेरी अगर हमारा फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है तो जो वेरी का कोड हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एनएक्स, कॉमन नहीं है इसमें, खाली फर्स्ट सेकंड में हमारे कॉमन है जेड और क्यू, तो जेड क्यू वेरी का कोड हो जाएगा। देन इसके बाद बात करें हम ही रीड फास्ट, फास्ट है तो फास्ट हमारा फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है, तो टी एक्स एफ एस एम पी, तो हम इसमें से अगर गौर करें तो खाली एफ एस कॉमन है, तो जो फास्ट का कोड हो जाएगा वो हो जाएगा एफ एस। अब बात करें ही और रीड की, तो जो ही है वो फर्स्ट और लास्ट में कॉमन है, तो फर्स्ट और लास्ट में अगर देखें टी एक्स और एम पी में कौन सा आ रहा है, तो हमारा एम पी आ रहा है, तो एम पी हमारा कोड हो जाएगा ही का, और जो हमारा लास्ट बचा है रीड, तो रीड का हमारा कोड हो जाएगा इसके अंदर टी एक्स। तो जो हमारे फर्स्ट लाइन थी इसके हमारे सारे कोडेड सोल्व हो गए। देन अगर हम सेकंड की बात करें तो इसमें हमारे जो वर्ड्स रह गए वो फ्लाई बर्ड और हाई, तो अगर हम फ्लाई की बात करें तो वो सेकंड में नहीं आ रहा, सेकंड में बर्ड और हाई आ रहा है, तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में हमारा कॉमन है बर्ड। तो अगर हम बात करें एनएक्स टी जेड और बी क्यू, तो सेकंड में खाली हमारा एनएक्स कॉमन है, तो एनएक्स हमारा कोड हो जाएगा जो इन दोनों में कॉमन था, तो कॉमन है इन दोनों में हमारा बर्ड, तो एनएक्स हमारा कोड हो जाएगा बर्ड का। देन हमारा टी जेड और बी क्यू रह गया, तो टी जेड और बी क्यू हमारा कोड होगा फ्लाई और वेरी का, फ्लाई हमारा लास्ट में कॉमन है, तो टी जेड और बी क्यू में से देखे तो बी क्यू हमारा लास्ट में आ रहा है, तो जो बी क्यू हमारा कोड होगा इसमें वो हो जाएगा फ्लाई का, और हाई का कोड हो जाएगा हमारा टी जेड। तो देन अब हमारा जो थर्ड स्टेट सेंटेंस था उसमें हमारा जो कोड बचा वो बचा हमारा ग्रो और ट्री का, ग्रो और ट्री, तो ट्री हमारा लास्ट में कॉमन है, ट्री लास्ट में कॉमन है, तो जो ट्री सी जेड और डी वी में सी जेड कॉमन है हमारा, तो सी जेड हमारा कोड हो जाएगा ट्री का, और ग्रो का ऐसे ही हमारा जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा डी वी। देन हम लास्ट स्टेटमेंट में बात करें तो लास्ट स्टेटमेंट हमारा बच गया खाली इन, तो इन का जो हमारा कोड हो जाएगा वो हो जाएगा एच डब्ल्यू।
तो अब सारे हमारे से डिकोड हो गए वर्ड्स। तो अब देखते हैं इस पे क्वेश्चंस क्या पूछा। अगर हम सबको एक साथ लेके देखें तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें मिनिमम से 30 से 40 सेकंड लगेंगे सारे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे से पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर ट्री। तो ट्री का हमारा कोड है CZ। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 6 का। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे से इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने हमारे से पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर रीड। तो डायरेक्ट है हमारे को पता है जो रीड है, रीड का हमारा कोड है TX। तो ऑप्शन डी TX इसका राइट आंसर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे से इन्होंने पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर ग्रो। तो ग्रो जो है उसका जो हमारा कोड है वो DV है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने हमारे से पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर फास्ट इन। फास्ट का हमारा कोड है FS, इन का हमारा कोड है HW। तो जो इसका राइट आंसर होगा FSHW, तो वो होगा ऑप्शन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी FSHW। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फाइव क्वेश्चन सेट, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द कोड फॉर ब्लड फ्लाई, बर्ड एंड फ्लाई। तो बर्ड का जो हमारा कोड है NX है और फ्लाई का कोड है BQ, NXBQ जो है ऑप्शन सी। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन 11 to 15। Hello and welcome to bankersadda.com. Today, this is the session for English language and we'll discuss the English quiz for IBPS exams 2019 of 12th February. As you know, a 6-month preparation plan, Kar IBPS 2019 FATEH, is going on for IBPS exams. It is a 6-month preparation plan and if you regularly practice these questions, you'll surely get your selection this year. Now today, the quiz is of reading comprehension. This is the quiz for reading comprehension. And the reading comprehension is based on the latest pattern of short RCs, which were asked in IBPS PO mains 2018. IBPS PO and Clerk main exam 2018 में ये pattern आपका पूछा गया था। Now let's see. Here directions 1 to 5. Read the following passage and answer the questions as directed. आपको एक passage दिया है, उसको पढ़ना है और उसके बाद उसके questions को answer करना है। तो first question से देखते हैं। As per the passage, how can the establishment of SDDS help countries access the international capital markets? ये passage आपका एक सर्वे के ऊपर है जिसका नाम है, ये मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट के सर्वे के ऊपर आपका पैसेज है, आप इसको रीड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द पैसेज हाउ कैन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SDDA स्पेशल डाटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड हेल्प कंट्रीज एक्सेस द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ में देखें, The SDDS, India was one of the early signatories, was dashed in 1996 to help countries access the international capital markets by providing adequate economic and financial information. कैसे करेगा? By providing adequate economic and financial information. तो social and financial, economic and cultural नहीं है, economic and political नहीं है, it is economic and financial information. That means correct choice will be option D. Next question. Which of the following can replace the word BFIT? BFIT आपको दिया है। This does not befit India's claims to be the fastest growing economy. BFIT का मतलब होता है किसी चीज के लिए appropriate होना, to appropriate for, be appropriate for. ठीक है, तो इससे similar जो replace करे, differ नहीं होगा, disagree नहीं होगा, curve नहीं होगा, ये होगा suit, to suit India's claims. Question 3. Which of the following words can fill in the blank in A? A में एक blank है, was dash in 1996. Figure in 1996 नहीं होगा, past की बात है, create नहीं, habitual नहीं, established होगा. Answer will be D. Next question.
Which of the following words is opposite in meaning to the word given in bold? कौन सा word shambles? ये है. Official plans to measure unemployment at an annual and quarterly frequency is in a shambles. तो shambles का आपका मतलब होता है a state of total disorder. तो इसका opposite आपको बताना है, वो होगा harmony. Disarray, muddle और chaos synonym हो जाएंगे. Next question. Which of the following phrases can suitably fit in the given blank B to make it grammatically and contextually correct? अब grammatically correct देखना है. The sentence for monitoring Indian economy, a private enterprise dash that fast frequency measures of unemployment can be made and that seeking an exception on SDDS compliance is unnecessary. तो अब private company singular है तो have नहीं आएगा. Having नहीं आएगा. Has demonstrated over the past, ये नहीं आएगा. Answer होगा B. Has demonstrated over the past 3 years. Past भी है और singular भी है तो has demonstrated. Now, next set of questions, अलग से अब आपको एक और RC दिया है, उसके questions देखते हैं. Which of the following is are true in context to the CPHS survey of the CMI? CPHS survey के context में क्या-क्या true है? The CPHS is comprehensive. ये यहाँ दिया हुआ है. CPHS is a continuous survey. If you look at this second paragraph, it is given that it is a continuous survey. It is conducted at much higher frequency than the NSSOs. Again, the CMIE CPHS thus has a much larger sample and is conducted at a higher frequency than NSSOs. The CPHS is conducted as face-to-face interviews, necessarily using GPS-enabled smartphones or tablets. ये भी correct है. That means all are correct. 7 देखते हैं. In the question given below, 3 phrases are given which must be filled in the positions given 1, 2 and 3 in the passage. From the options given below, choose the correct order of phrases that should be filled in the positions given. आपको 3 positions दिए इस paragraph में. ये है 1, ये 2, 3. 3 phrases हैं. Making these freely ensures delivery of as compared to that. इनका order बताना है. अब first में देखते हैं. In its household survey, called the consumer pyramids household survey, the sample size was 172,365 of the official national sample survey organization which was this. तो of क्या होगा? एक तो ये greater है, ठीक है? अब देखते हैं इन दोनों के लिए क्या. Making threes freely नहीं होगा. Ensures delivery नहीं. Comparison हो रहा है. तो हाँ, as compared to that of the official. तो आपका पहला blank तो C होगा. तो elimination method से आपके ये दोनों गए. अब देखते हैं B और E में कौन सा होगा. The data capture machinery dash high quality data in real time. तो making this freely नहीं होगा, ये होगा ensures delivery of. तो B हो गया और ये भी हट गया, तो ये हो गया आंसर. एक बार देख लेते हैं. Has since then the CMIE has been generating labour market indicators regularly and making these freely available for public use. तो आपको मिल गया correct order C B. Moving on to the next question, which of the following statements is are incorrect as per the passage above? आपको अब incorrect बताना है. इसको carefully देखें, correct नहीं बताना है, incorrect बताना है. अगर आप देखें, CMIE added questions regarding unemployment to the CPHS in 2019. ठीक है, तो अगर आप देखें, in 2016 the CMIE added questions regarding unemployment to the CPHS. तो ये काम कब हुआ था? 2016 में. तो ये incorrect हो गया. तो all are correct भी हट गया. और इनमें से एक ही incorrect हो सकता है. तो यानी आपको elimination method से मिल गया आपका option A answer है. Next. Choose the word which is most opposite in meaning to the word comprehensive. Comprehensive का मतलब क्या होता है?
वाइड रेंजिंग, जिसकी बहुत ज्यादा रेंज में बहुत लार्ज कंटेंट या स्कोप हो. तो ब्रॉड भी होगा सिमिलर, एग्जॉस्टिव भी, इनफिनाइट भी. लिमिटेड होगा इसका ऑपोजिट. क्वेश्चन 10. चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड एंश्योर. एंश्योर का क्या मतलब होता है? मेक सर्टेन ऑफ ऑब्टेनिंग और प्रोवाइडिंग, मतलब कंफर्म कर दे कि ऐसा होगा. तो एंश्योर का सिमिलर मीनिंग एंडेंजर नहीं होगा, अश्योर हो सकता है, रेप्यूडेट नहीं होगा, वीटो नहीं होगा. तो बी एंड सी भी नहीं होगा, यानी बी आपका करेक्ट चॉइस है. नाउ 11 टू 15 अगेन वी हैव अ न्यू पैसेज. सबकी थीम एक ही है, द सीपीएचएस सर्वे. ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आए थे, शॉर्ट आरसीज थी, लेकिन लगभग सबकी सेम, सबकी थीम जो थी वो सिमिलर थी. Which of the following statements is are correct? अब करेक्ट बताना है. ठीक है, मेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट वॉज 78.5. ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, 74.5 था, यहाँ 78.5 है, इनकरेक्ट. इंडियाज फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट इज वेरी लो. ये पैसेज आपका फीमेल पार्टिसिपेशन जो लेबर में है वो कम है, उसी पे बेस्ड है. तो इंडियाज फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन इज लो, करेक्ट है. अर्बन फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट्स फेल फास्टर देन रूरल फीमेल पार्टिसिपेशन. नाउ सी, अर्बन फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट्स फेल फास्टर देन रूरल फीमेल पार्टिसिपेशन है कंटेक्स्ट में, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी. क्वेश्चन नेक्स्ट, इन द पैसेज अबव टू लाइन्स आर गिवन इन बोल्ड. दो लाइन दी है, द एंटायर ब्रंट ऑफ डीमोनेटाइजेशन वॉज बॉर्न बाय वुमेन. अगेन द ब्रंट ऑफ दिस वॉज अगेन बॉर्न लार्जली बाय वुमेन. तो ये दो लाइन है, इसमें एक फ्रेज यूज हुआ है, बियर द ब्रंट ऑफ. ठीक है, तो वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज? टू एंजॉय द बेस्ट पार्ट ऑफ एन अनप्लेजेंट और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. नो, टू सफर द वर्स्ट पार्ट ऑफ एन अनप्लेजेंट और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. ये बिल्कुल करेक्ट है. जो भी डीमोनेटाइजेशन या जीएसटी से सर्विसेज पे जो भी इफेक्ट पड़ा था, उसका सबसे वर्स्ट पार्ट सफर करने वाले कौन थी? विमेन थी. तो बी हो जाएगा. नेक्स्ट, व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉल इन इंडियाज फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट इन कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज. तो रीजंस क्या क्या थे देखते हैं. रीजन्स ये दिए हैं, रिसर्चर्स हैव शोन दैट दिस फॉल इज बिकॉज ऑफ राइजिंग हाउसहोल्ड इनकम्स दैट रिड्यूस द नीड फॉर वुमेन टू जॉइन द लेबर फोर्स. इंक्रीज एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन बाय वुमेन विच डिलेज देयर एंट्री इनटू द लेबर फोर्स एंड कल्चरल एंड सिक्योरिटी फैक्टर्स दैट कीप वुमेन अवे फ्रॉम लेबर मार्केट इन इंडिया. फर्दर इट इज एविडेंट दैट एम्प्लॉयर्स आर ऑल्सो बायस्ड अगेंस्ट हायरिंग वुमेन. बायस्ड अगेंस्ट मतलब वो विमेन को हायर कम करना चाहते थे, कम प्रेफरेंस करते थे. नाउ लुक एट द ऑप्शंस, राइजिंग हाउसहोल्ड इनकम्स, इंक्रीज एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन ऑफ विमेन बाय विमेन, कल्चरल एंड सिक्योरिटी फैक्टर्स, एम्प्लॉयर्स आर बायस्ड अगेंस्ट हायरिंग विमेन. तो ये चारों रीजंस आपके पैसेज में है, दैट मीन्स ऑल आर करेक्ट. क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस कैन सूटेबली फिट इन द ब्लैंक गिवन इन ए to make it grammatically and contextually correct. A mein dekhte hain. The CPHS shows that the situation with respect to women's participation in the labor force is extremely poor dash. Much poorer than what the official agencies tell us. Ye wala then nahi aayega. Much poorer than who the official agencies tell us, no. Much poorer than what the official agencies telling us नहीं आएगा. Much poorer than what, then ठीक है यहाँ पे, what the official agencies tell us. D आपका both grammatically and contextually correct है. Which of the following can replace the word jolt given in the passage? एक word दिया है आपको jolt, उसका बताना है replace कौन सा कर सकता है. तो आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन जोल्ट केम, तो शॉकिंग केम नहीं, सरप्राइज हो सकता है, इम्पैक्टेड और डिसएडवांटेज नहीं है. ठीक है, ये डिसएडवांटेज नहीं कह सकता हम इसको. तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा सरप्राइज या जोल्ट. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. ओके स्टूडेंट्स,
बिफोर लिविंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारे प्राइम ऑफर्स आ चुके हैं टेस्ट सीरीज के. बैंक प्राइम है, इसमें क्या है आपका 800 प्लस टेस्ट मिलेंगे आपको 999 रुपीज में, 9 मंथ्स की वैलिडिटी, और 1199 में 15 मंथ्स की वैलिडिटी. सो यू विल गेट ऑल द बैंकिंग एग्जामिनेशंस, ऑल बैंकिंग एग्जामिनेशंस व्हिच विल बी हेल्ड इन 2019 एट जस्ट रुपीज 1199. इट इज अ 15 मंथ्स प्लान एंड फॉर 999 इन इट इज अ 9 मंथ्स प्लान. सो आई थिंक इससे अच्छा ऑफर और नहीं हो सकता, और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती. आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज नहीं खरीदनी पड़ेगी. SS similar is with SSC Prime. It is for 899 and the validity is 12 months. Combo Prime is just at rupees 1799, both bank and SSC. And Insurance Prime, you'll get 100 plus tests at just rupees 499 with the validity of 12 months. So do make the best of this opportunity. If you really want to ace the upcoming government examinations of 2019-20, then wait no more and start with your preparations. So that's all for today's session. Thank you and have a nice day. Hello students, today we are going to discuss quantity aptitude quiz based on quadratic equation for IBPS. 12th February 2019 and this is the day 20. Today's topic is quadratic equations. The first question direction is 1 to 15. Two equations 1 and 2 are given below. You have to solve these equations and give answers. First equation, 2x square plus 11x plus 14 is equal to 0. And second equation is 4y square plus 12y plus 9 is equal to 0. So first equation में multiply करने पर 28 and add करने पर 11. So ऐसे factors कैसे कौन से हो सकते हैं? 7 and 4 का मल्टीप्लाई करने पर 28 एंड 7 प्लस 4 11. सो यहाँ पर प्लस इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर हमें जो साइन गिवन है वो कौन सा है? प्लस का है, इसलिए हमने प्लस करके 11 फाइंड किया. इन केस अगर माइनस होता तो हम सबट्रैक्ट कर उस तरह का फैक्टर हम ढूंढते. सो इधर फैक्टर है इस फर्स्ट इक्वेशन के 7 and 4. साइन है प्लस प्लस के, तो साइन चेंज हो जाएंगे माइनस माइनस में. And coefficient of x square is 2, so divided by 2 of the factors. So first x factor is 3.5 minus ka and minus 2. Second multiply karne par 36 and add karne par 12. Six and six, 12, and six and six, 36. So factor of y is 6 and 6. Sine है plus plus के, तो sine change हो जाएंगे minus minus में. Factor of y is 4, so divided by 4. So ये जाएगा 1.5 and 1.5 minus का. यहाँ से factors को compare कर लेते हैं. X के factor है minus 3.5 एंड माइनस 2, एंड y के फैक्टर्स हैं माइनस 1.5 एंड माइनस 1.5. माइनस 3.5 इनको कंपेयर किया तो माइनस 1.5 इज़ ग्रेटर. माइनस 3.5 से माइनस 1.5 इसको कंपेयर किया तो ग्रेटर y, एंड माइनस 2 एंड माइनस 1.5 ग्रेटर इज़ y. माइनस 2 एंड माइनस 1.5 ग्रेटर इज़ 1.5. सो वी कैन से x इज लेस देन y और y इज ग्रेटर देन x. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2.
बिफोर मूविंग क्वेश्चन नंबर टू, दिस इज टू टेस्ट सीरीज फॉर एस एस सी प्राइम 2019 एंड बैंक प्राइम 2019. एस एस सी प्राइम 2019 कंटेन एस एस सी सी जी एल टायर 1, टायर 2, सी पी ओ टायर 1, टायर 2, सी एच एस एल, जी डी एंड अदर एग्ज़ाम्स. टोटल 850 प्लस टोटल एग्ज़ाम ओनली ऑन प्राइस 899, वैलिडिटी फॉर 12 मंथ्स. एंड बैंक प्राइम 2019 यूजफुल फॉर एस बी आई पी ओ क्लर्क, आई बी पी एस आर आर बी, आई बी पी एस पी ओ क्लर्क, आर बी आई, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड अदर एग्ज़ाम्स. And contain 800 plus total tests and video solution available for selected mocks. This test price 1199, validity for 15 months. And more information, please visit store.adda247.com. Now next question is question number 2. Question number 2 is, फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, वी कैन से एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और प्लस 2 माइनस 2. वाई के फैक्टर मल्टीप्लाई करने पर 9 एंड ऐड करने पर 6, सो y के फैक्टर हो जाएंगे 3 and 3, 3 into 3 9 and 3 and 3 6. साइन है प्लस प्लस के, तो साइन चेंज हो करके माइनस माइनस हो जाएगा. कोई फैक्टर यहाँ पर है नहीं, y square कोई फैक्टर है नहीं, तो हम किसी भी फैक्टर से डिवाइड नहीं करेंगे. सो x के फैक्टर प्लस 2 माइनस 2 एंड y के फैक्टर्स माइनस 3 एंड माइनस 3. सो प्लस 2 को माइनस 3 से कंपेयर करते हैं तो प्लस 2 इज ग्रेटर, प्लस 2 को माइनस 3 से प्लस 2 ग्रेटर, माइनस 2 माइनस माइनस 2 माइनस 3 को कंपेयर करने पर माइनस 2 ग्रेटर, माइनस 2 एंड माइनस 3 को कंपेयर करने पर माइनस 2 ग्रेटर. सो वी कैन से एक्स इज ग्रेटर देन वाई. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. And first equation is x square minus 7x plus 12 is equal to 0. And second equation is y square plus y minus 12 is equal to 0. So x ke factor multiply karne par 12 and add karne par 7. So 4 and 3. X ke factor jayenge 4 and 3. Minus plus ka sign, minus plus ka sign change jata hai plus plus mein. So 4 and 3 is the factor of x. एंड वाई फैक्टर मल्टीप्लाई करने पर 12 एंड यहाँ पर साइन है माइनस का, सो सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए. सो 4 and 3 12 एंड 4 माइनस 3 1. सो वी कैन से फैक्टर ऑफ वाई इज 4 एंड 3, प्लस माइनस माइनस प्लस. सो कंपेयर कर लेते हैं, प्लस 4 प्लस 3 एंड y के फैक्टर माइनस 4 प्लस 3, प्लस 4 माइनस 4 4 ग्रेटर, प्लस 4 प्लस 3 4 ग्रेटर एंड प्लस 3 माइनस 4 ग्रेटर एंड प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू. सो वी कैन से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 13 एक्स प्लस 2 रूट 13 इज इक्वल टू 0. एंड सेकेंड इक्वेशन 10y स्क्वायर माइनस 18 प्लस 5 रूट 3 5 रूट 13 y प्लस 9 रूट 13
सो टू एंड इसका मल्टीप्लाई करने पर फोर रूट थर्टीन हमें हमें मल्टीप्लाई करके फोर रूट थर्टीन हमें मिल रहा है. सो यहाँ पर फोर रूट थर्टीन है. सो डायरेक्टली वी कैन से माइनस प्लस का साइन है प्लस प्लस, जो फैक्टर हो जाएंगे प्लस प्लस हो जाएंगे एंड फोर एंड रूट थर्टीन. फोर एंड रूट थर्टीन फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू. सो टू से डिवाइड. सो एक्स के फैक्टर हो जाएंगे टू एंड रूट थर्टीन प्लस टू अपॉन टू. एंड वाई के फैक्टर इज टेन का मल्टीप्लाई नाइन से करने पर टेन एंड नाइन नाइन्टी रूट थर्टीन एंड एट. इसके एट से फैक्टर करेंगे जहाँ पर हमें एटीन और फाइव हमें मिल जाए. सो एटीन फाइव नाइनटीन. सो हमें ईजिली मिल जा रहा है. सो एटीन एंड फाइव. फाइव के साथ रूट थर्टीन है. सो फाइव रूट थर्टीन एंड फैक्टर ऑफ वाई स्क्वायर इज टेन. सो टेन से डिवाइड कर देंगे एंड माइनस प्लस साइन हो जाएगा प्लस प्लस. सो वाई के फैक्टर हो जाएंगे नाइन बाई फाइव एंड रूट थर्टीन बाई टू जो जाएंगे फैक्टर. अगर इसका बेसिक मेथड देखें तो हम इसको कैसे ले सकते हैं. टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस रूट थर्टीन एक्स प्लस टू रूट थर्टीन इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ से हम टू एक्स कॉमन ले लेते हैं. एक्स माइनस टू एंड माइनस रूट थर्टीन को कॉमन लिया तो एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो. सो फैक्टर इज एक्स माइनस टू कॉमन लेने पर टू एक्स माइनस रूट थर्टीन इक्वल टू ज़ीरो. तो एक्स के फैक्टर हो जाएंगे टू एंड रूट थर्टीन बाई टू. एंड इसको अगर सॉल्व करें टेन वाई स्क्वायर माइनस एटीन वाई माइनस फाइव माइनस फाइव रूट थर्टीन वाई प्लस नाइन रूट थर्टीन इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ से टू वाई अगर कॉमन ले लेते हैं फाइव वाई माइनस नाइन एंड माइनस थर्टीन को अगर कॉमन ले लेते हैं तो सो फाइव माइनस फाइव वाई माइनस नाइन इक्वल टू ज़ीरो. सो फाइव वाई माइनस नाइन एंड टू वाई माइनस रूट थर्टीन इक्वल टू ज़ीरो. वाई के फैक्टर रूट थर्टीन बाई टू एंड नाइन बाई फाइव. नाइन बाई फाइव को हम 1.8 भी ले सकते हैं 1.8. सो ये दोनों इक्वल इक्वल एंड ये इज ग्रेटर हो जाएगा इसके कंपेयर करने पर. ओवरऑल x इज ग्रेटर देन एंड स्क्वायर टू y. सो ऑप्शन नंबर d इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्थ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव. क्वेश्चन नंबर फाइव इज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस एट इक्वल टू ज़ीरो. सो मल्टीप्लाई करने पर 24 एंड ऐड करने पर 10. मल्टीप्लाई करने पर 8 इंटू थ्री सो 24 एंड ऐड करने पर 10. तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 6 एंड 4 6 एंड 4 24 एंड 6 प्लस 4 10. सो एक्स के फैक्टर इज 6 एंड 4. प्लस प्लस का साइन माइनस माइनस में चेंज हो जाएगा. फैक्टर है एक्स स्क्वायर का 3 है कोफिशियंट सो डिवाइडेड बाय 3. एंड वाई के फैक्टर या सेकंड इक्वेशन 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई करने पर 12 एंड ऐड करने पर 7. सो y के फैक्टर हो जाएंगे 3 एंड 4 4 एंड 3. सो फैक्टर कर डिवाइड करने पर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3. सो डिवाइड करने पर 3 प्लस प्लस का साइन इसलिए माइनस माइनस में चेंज हो जाएगा. अब दोनों के कोएफिशिएंट 3 3 थे तो हम इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं. सो ओवरऑल हमारे जो फैक्टर्स हो जाएंगे
माइनस सिक्स माइनस फोर एक्स के एंड वाई के माइनस फोर एंड माइनस थ्री। सो कंपेयर करने पर माइनस सिक्स को माइनस फोर से कंपेयर किया वाई ग्रेटर, एंड माइनस सिक्स माइनस थ्री कंपेयर किया वाई इज ग्रेटर, माइनस फोर इक्वल एंड माइनस फोर एंड माइनस थ्री वाई इज ग्रेटर। सो वी कैन से वाई इज इक्वल टू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। सो ऑन लुकिंग ऑन ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज फर्स्ट इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो। मल्टीप्लाई करने पर 20 एंड ऐड करने पर 21, यानी x के फैक्टर हो जाएंगे 20 एंड 1। प्लस प्लस का साइन इसलिए चेंज होकर के माइनस माइनस में, एंड कोफिशिएंट है 2 इसको इसको भी नोट कर लेते हैं। एंड वाई के फैक्टर वाई के मल्टीप्लाई करने पर 42 एंड ऐड करने पर 13। सो वाई के फैक्टर हो जाएंगे 6 एंड 7। प्लस प्लस का साइन माइनस माइनस। अब वाई स्क्वायर कोफिशिएंट है 3, सो हम y के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई x के फैक्टर में एंड x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई y के फैक्टर में। सो वी कैन से डायरेक्टली माइनस 60 एंड माइनस 3 एंड y के कोफिशिएंट माइनस 14 एंड माइनस 12। अब इसको कंपेयर कर ले, मैंने कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई एक दूसरे में इस वजह से किया क्योंकि हम पॉइंट से बच जाएं, इसलिए थोड़ा सा कंपेयर करने में ईजिली कंपेयर हो जाए। सो माइनस 16 एंड माइनस 14 को कंपेयर करने पर 14 इज ग्रेटर, माइनस 16 माइनस 12 को कंपेयर करने पर 12 इज ग्रेटर यानी वाई इज ग्रेटर, एंड माइनस 3 एंड माइनस 14 को कंपेयर करने पर एक्स इज ग्रेटर। सो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, सो नो रिलेशन फाइंड। सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स। नाउ E is correct for question number 6. Now next question is question number 7. First equation 4x square minus 13x plus 9 is equal to 0, and second equation 3y square minus 14y plus 16 is equal to 0. Multiply karne par 36 and add karne par 13. So x ke factor kya ho jayenge 9 एंड 4, एंड माइनस साइन माइनस प्लस का साइन इसलिए प्लस प्लस का साइन। कोफिशिएंट है 4, इसको याद रखते हैं भी। एंड सेकंड के फैक्टर यानी वाई के फैक्टर 48 मल्टीप्लाई करने पर एंड करने पर 14, सो फैक्टर हो जाएंगे वाई के 8 एंड 6। माइनस प्लस साइन इसलिए प्लस प्लस। फैक्टर ऑफ वाई मल्टीप्लाई इज मल्टीप्लाई इन एक्स फैक्टर्स, एंड फैक्टर ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई इन वाई फैक्टर्स। सो एक्स के फैक्टर हो जाएंगे 3 का मल्टीप्लाई करने पर 27 एंड ट्वेल्व, एंड वाई के फैक्टर्स प्लस का 32 एंड 24। कंपेयर कर लेते हैं 27 एंड 32 में y इज ग्रेटर, 27 एंड 24 में x इज ग्रेटर। सो नो रिलेशन, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, सो नो रिलेशन हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर e इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट इक्वेशन 8x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो,
एंड सेकंड इक्वेशन 4y² प्लस 19y प्लस 21 इक्वल टू जीरो, मल्टीप्लाई करने पर 72 आना चाहिए एंड ऐड करने पर 18, सो x के फैक्टर हो जाएंगे 12 एंड 6 एंड फैक्टर ऑफ x इज 8, इसको याद रखते हैं अभी, फैक्टर ऑफ x इज 8। y के फैक्टर हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई करेंगे y के फैक्टर, यहाँ पर 4y² है, 4y² तो मल्टीप्लाई करने पर कितना 84 आना चाहिए एंड ऐड करने पर 19, सो y के फैक्टर हो जाएंगे, y के फैक्टर इज 84 मल्टीप्लाई करने पर, सो 12 एंड 7 प्लस प्लस का साइन इसलिए माइनस माइनस। अब प्लस प्लस इधर प्लस प्लस साइन इधर माइनस माइनस साइन है, तो डायरेक्टली हमें ऑप्शन शो हो रहा है जो आंसर x इज ग्रेटर देन y, बट हम चेक कर लेते हैं x y के फैक्टर का मल्टीप्लाई x में, सो 4 एंड मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस एंड 24 एंड y के फैक्टर माइनस 96 एंड 56, सो x इज ग्रेटर देन y, सो ऑप्शन नंबर b इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8, x इज ग्रेटर देन y। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट इक्वेशन इज 3x² प्लस 16x प्लस 21 इज इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड इक्वेशन 6y² प्लस 17y प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो, सो मल्टीप्लाई करने पर 63 एंड ऐड करने पर 16, सो फैक्टर ऑफ x इज 9 एंड 7 एंड प्लस प्लस का साइन इसलिए माइनस माइनस, फैक्टर ऑफ x इज 3 एंड फैक्टर ऑफ y इज मल्टीप्लाई करने पर 72 एंड ऐड करने पर 17, सो 9 एंड 8 प्लस प्लस का साइन इसलिए माइनस माइनस में चेंज हो गया, फैक्टर ऑफ y इज 6 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई इन फैक्टर ऑफ x, सो 6 एंड 3 के फैक्टर ऑफ x इज 3, सो मल्टीप्लाई इन y फैक्टर्स, सो x के फैक्टर हो जाएंगे 54 एंड 42 एंड y के फैक्टर 27 एंड 24, ऑप्शन आंसर इज x इज ग्रेटर देन y, कैसे माइनस 54 माइनस 27, 27 इज ग्रेटर माइनस 54 एंड 24, y इज ग्रेटर माइनस 42 एंड 27, y इज ग्रेटर देन माइनस 52 एंड माइनस 24, y इज ग्रेटर, सो वी कैन से x इज लेस देन y और y इज ग्रेटर देन x, सो ऑप्शन नंबर a इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर a इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट इक्वेशन इज 16x² प्लस 20x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से हम अगर दो कॉमन ले लेते हैं, सो 8x² प्लस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा एंड सेकेंड इक्वेशन इज 10y² प्लस 38y प्लस 24 इज इक्वल टू जीरो, कॉमन लिया 2 को 5y 19y प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो, सो फैक्टर x के फैक्टर हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने पर 24 एंड ऐड करने पर 10, सो फैक्टर ऑफ x इज 6 एंड 4,
सिक्स एंड फोर, प्लस प्लस का साइन इसलिए माइनस माइनस। एंड फैक्टर ऑफ एक्स को अभी हम लोग याद रखते हैं, फैक्टर ऑफ वाई मल्टीप्लाई करने पर 60 एंड ऐड करने पर 19, सो 15 एंड 4, प्लस प्लस का साइन इसलिए माइनस माइनस। फैक्टर ऑफ वाई का मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ एक्स में, एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स इज, कोफिशियंट ऑफ एक्स इज 8, देन मल्टीप्लाई इन फैक्टर ऑफ वाई, सो एक्स के फैक्टर हो जाएंगे माइनस 24 एंड 16, एंड फैक्टर ऑफ वाई इज 15 एंड 8 माइनस 120 एंड 32, सो माइनस 24 एंड माइनस 120 में एक्स इज ग्रेटर, माइनस 24 एंड माइनस 32 में एक्स इज ग्रेटर, माइनस 16 एंड माइनस 120 में एक्स इज ग्रेटर, माइनस 16 एंड माइनस 32 में एक्स इज ग्रेटर, सो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट इक्वेशन इज 8x स्क्वायर प्लस 6x एंड इक्वल टू, इधर 5 है सो इधर भेज दें उसको, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 12y स्क्वायर माइनस 22 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सो फैक्टर ऑफ x इज मल्टीप्लाई करने पर 40 एंड सब्ट्रैक्ट करने पर 6, सो 10 एंड 4, प्लस माइनस का साइन इसलिए माइनस प्लस। फैक्टर ऑफ एक्स इज 8, इसको याद रखते हैं, एंड वाई के फैक्टर मल्टीप्लाई करने पर 24 एंड ऐड करने पर 11, सो वाई के फैक्टर इज 8 एंड 3, 8 3 24 एंड 8 3 11, सो माइनस प्लस का साइन इसलिए प्लस प्लस। एंड फैक्टर ऑफ x, फैक्टर ऑफ y इज 6, सो मल्टीप्लाई बाय 6, एंड फैक्टर ऑफ y x इज 8, सो मल्टीप्लाई बाय 8, x के फैक्टर हो जाएंगे 60 एंड 24, एंड y के फैक्टर्स प्लस 64 एंड 24। कंपेयर करते हैं, माइनस 60 एंड 64, वाई इज ग्रेटर, माइनस 60 एंड 24 वाई इज ग्रेटर, 24 एंड 64 वाई इज ग्रेटर, 24 एंड 24 इज इक्वल टू, सो एक्स इज ग्रेट इज लेस देन एंड इक्वल टू वाई, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। Now next question is question number 12. First equation is 17x square plus 48x minus 9 is equal to 0. And second equation is 13y square minus 32y plus 12 is equal to 0. So multiply karne par 153 aana chahiye and add karne subtract karne par 48. सो एक्स के फैक्टर हो जाएंगे 51 एंड 3, 51 माइनस 3 48, प्लस माइनस का साइन इसलिए माइनस प्लस का, एंड फैक्टर ऑफ 17, फैक्टर ऑफ एक्स इज 17, एंड मल्टीप्लाई करने पर 156 एंड ऐड करने पर 32, सो फैक्टर इज 26 एंड 6, माइनस प्लस का साइन इसलिए प्लस प्लस, मल्टीप्लाई बाय 13 एंड मल्टीप्लाई बाय 17, सो एक्स के फैक्टर हो जाएंगे माइनस 663 एंड 39,
एंड वाई के फैक्टर इज 26 इंटू 17 442 एंड 17 इंटू 6 102. सो कंपेयर कर लेते हैं, -63 प्लस 442 वाई इज ग्रेटर -663 एंड 1 एंड 2 102 वाई इज ग्रेटर 39 एंड 442 वाई इज ग्रेटर 39 एंड 102 वाई इज ग्रेटर. सो वाई इज ग्रेटर देन एक्स. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. एट एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो. सॉरी. एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 35 इज इक्वल टू जीरो. सो फैक्टर ऑफ x इज मल्टीप्लाई करने पर 122 एंड ऐड करने पर 26. सो 20 एंड 6 प्लस प्लस का साइन इसलिए माइनस माइनस. y के फैक्टर 140 मल्टीप्लाई करने पर एंड ऐड करने पर 24. सो 14 इंटू 10 प्लस प्लस का साइन माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाई 4 बिकॉज फैक्टर ऑफ y इज 4 एंड मल्टीप्लाई बाई 8 बिकॉज मल्टीप्लाई फैक्टर कोफिशिएंट ऑफ x इज 8. x के फैक्टर हो जाएंगे माइनस 80 एंड माइनस 24 एंड y के फैक्टर इज 112 एंड माइनस 80. माइनस 80 एंड माइनस 112 x इज ग्रेटर माइनस 80 एंड माइनस 80 इक्वल माइनस 24 एंड माइनस 112 x इज ग्रेटर माइनस 24 एंड माइनस 80 x इज ग्रेटर. सो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल y. सो ऑप्शन नंबर d इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. फर्स्ट इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड इक्वेशन इज 24y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो. सो मल्टीप्लाई करने पर 90. सो x के फैक्टर इज 10 एंड 9 प्लस प्लस का साइन इसलिए माइनस माइनस एंड y के फैक्टर्स 8 एंड 3 प्लस प्लस का साइन इसलिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय 24 एंड मल्टीप्लाई बाय 6. सो x के कोफिशिएंट हो जाएंगे माइनस 24 एंड माइनस 216. y के फैक्टर इज माइनस 48 एंड माइनस 18. कंपेयर करने पर x इज ग्रेटर एंड कंपेयर करने पर y इज ग्रेटर. फैक्टर ऑफ x इज 240 माइनस का एंड माइनस का 216. y के फैक्टर माइनस का 48 एंड माइनस का 18. कंपेयर करने पर माइनस 240 माइनस 48 y इज ग्रेटर माइनस 240 माइनस 18 y इज ग्रेटर माइनस 216 माइनस 14 y इज ग्रेटर माइनस 216 एंड माइनस 18 y इज ग्रेटर. सो x इज लेस देन y और वी कैन से
वाई इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर एक्स. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज, क्वेश्चन नंबर 15. फर्स्ट इक्वेशन इज 2x² प्लस 11x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज 4y² प्लस 22y प्लस 24 इज इक्वल टू 0. वी कैन से 2y² प्लस 11y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. सो x के फैक्टर मल्टीप्लाई करने पर 30 एंड ऐड करने पर 11. सो 6 एंड 5 प्लस प्लस का साइन इसलिए माइनस माइनस एंड फैक्टर ऑफ x इज 2. y मल्टीप्लाई करने पर 24 एंड ऐड करने पर 11. सो 8 एंड 3 प्लस प्लस का साइन इसलिए माइनस माइनस फैक्टर ऑफ y इज 2. फैक्टर ऑफ y एंड फैक्टर ऑफ 2 इज इक्वल. सो वी कैन नेगलेक्ट ऑफ दिस कोफिशियंट ऑफ x एंड y. सो डायरेक्टली वी कैन से फैक्टर ऑफ x इज माइनस 6 एंड माइनस 5 एंड फैक्टर ऑफ y इज माइनस 8 एंड माइनस 3. कंपेयर करते हैं माइनस 6 एंड माइनस 8. माइनस 6 इज ग्रेटर माइनस 6 एंड माइनस 6 माइनस 3. y इज ग्रेटर. कॉन्ट्रीडिक्शन आर देयर. सो ऑप्शन नंबर ई और नो रिलेशन. No relation find between these two equations. So option number E is correct for question number 15. This was the last question. इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं. सो थैंक यू.